अरे भाई साहब, ये तो बहुत कूद रहा है यार। मैं समझ गया इसको घोड़ा क्यों बोलते हैं। तो बहुत सुंदर लग रहा है यार देखने में। ये शो के लिए लग रहा था, हम रानी बना के रखते हैं इसको। और साइड में देखो भाई, चूड़ियां पहना रखी है। ये कौन है? दाल बाटी चूरमा खा के हो जाओ सूरमा। ये जो काले शीशे आपने करवा रखे हैं, कार में करवाओ तो भाई पुलिस वाले चालान काट देते हैं, इसमें कुछ नहीं बोलते। 188,705 किलोमीटर। कितनी पुरानी गाड़ी है ये? छोटी गाड़ी से बहुत अच्छा चलता है। अरे भाई साहब, ट्राली के नीचे अलग स्पीकर लगा रखे हैं। और राजस्थान वालों की खासियत रहती है बहुत। किस उम्र में हुई थी आपकी शादी? हेलो गाइस, मैं हूं सुमित और एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का ऑन रोड विद सुमित में। आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं प्योर राजस्थानी टाटा का सिग्ना 5530। अब राजस्थानी क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि गाइस, ये जो गाड़ी है ये राजस्थान के भिलवाड़ा से, और राजस्थानियों का अलग ही अपना एक शौक होता है कि भाई साहब ट्रकों को सजा के रखना है, एकदम प्रॉपर वेल मैनेज करके रखना है। तो क्या इसकी कहानी है, कैसा ये ट्रक दिखने में है, और ख़ास करके इसका केबिन गाइस, थोड़ी थोड़ी झलकियाँ तो आपको बाहर से दिख रही होगी, कैसी क्या है वो अभी हम जानेंगे, ठीक है। तो मेरे साथ है गाइस इस गाड़ी के उस्ताद जगदीश जी, जो कि ये देख सकते हैं केबिन में अभी चढ़ रहे हैं। तो उनसे अभी हम बात करेंगे थोड़ी, और थोड़े से शर्मीले स्वभाव के हैं तो हो सकता है कम बोलें, बाकी मैं हूँ ना आपको बताने के लिए, तो मैं इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें बताऊँगा। तो शुरुआत करते हैं हम गाड़ी के फ्रंट लुक से। काले काले बादलों के साथ क्या गजब की गाड़ी दिख रही है गाइस। सामने से आप देखो, मतलब कितने सारे एलिमेंट हैं। सामने का जो मिरर है वो भी आप देखोगे तो बढ़िया से सजा रखा है। साइड के मिरर में ब्लैक ब्लैक कलर के, ये देखो कितने बढ़िया से ये जो गुच्छे हैं ये लगा रखे हैं, और ये देख सकते हैं आप कितने बढ़िया से यहाँ पे पेंट करवा रखा है, छोटे छोटे एलिमेंट डिज़ाइन के ये सारे। हालांकि रेडियम है जो चिपकाने वाले होते हैं, बट उनको लगा रखा है। यहाँ पे तिरंगा आपको दिखेगा, और ये देखो सारा फ्लेक्सिबल आइटम है टोटल पूरा, बहुत बढ़िया से सामने दिख रहा है। और बम्पर आप देख सकते हैं काफ़ी लंबा है। अब बम्पर में हेडलाइट जरा सी छुप सी रही है, अब पता नहीं, आई थिंक अगर यहाँ से देखूंगा तो आप देखो प्रॉपर बीच में से दिख रही है। मुझे नहीं लगता कि लाइट की कोई समस्या आती होगी। एक लाइट यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, तो 3×6 तो हेडलाइट यहाँ पे लगा रखी है। और ये जो LED लाइट है गाइस बहुत तेज होती है अपने आप में, मतलब कि बहुत तेज है, तो रोशनी की कोई समस्या नहीं है। बड़ा बड़ा सा जाट जो है वो लिखवा रखा है यहाँ पे, जैसे जो हमारे उस्ताद हैं वो गुर्जर हैं और राजस्थान में काफ़ी होते हैं, बट जो मालिक हैं आई थिंक वो जाट हैं, तो उन्होंने अपना नेम प्लेट गाइस अलग से यहाँ पे लगवा के रखा हुआ है। सामने की तरफ देखो चेन लटकी हुई है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं टायर्स के ट्यूब बहुत सारे यहाँ पे लटका रखे हैं। अब साइड से दिखाता हूँ आपको, तो साइड से सबसे पहले देखो, खैर गाड़ी अभी लंबी चल करके आ रही है, तो व्हील कैप आप देखो प्लास्टिक के हैं, पर काफ़ी मतलब आराम से ये अलग से इसका मेटल बॉल बाहर की तरफ लगा हुआ और उससे कसे हुए हैं, ये देख सकते हैं। और साइड में देखो गाइस, यार चूड़ियाँ पहना रखी है गाइस, पूरा एक लेडी का जो है लुक वो यहाँ पे दे रखा है। अभी अंदर भी आपको दिखाऊंगा मैं कितने सारे गिफ्ट वगैरह जो हमारे उस्ताद है उन्होंने अभी गाड़ी को दिए हुए हैं, तो वो अभी अंदर चल के देखेंगे। केबिन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो इसको थोड़ा सा वीडियो को आप पूरा देखिएगा। पीछे से देख सकते हैं स्नॉर्कल ऊपर की तरफ निकला हुआ है, और ये काफ़ी सारी सप्लाई जैसे ब्रेक लाइन वगैरह की, ब्रेक लाइट वगैरह की, ये जो भी सप्लाई जा रही है पीछे की तरफ वो यहाँ से जा रही है। अब ट्रक कितना बड़ा है इसका अंदाज़ा मैं आपको लगाता हूँ कि जितना बड़ा ट्रक हो सकता है, मतलब मैक्सिमम 22 टायर, उतना बड़ा ये जो है ट्रक है। टायर एक बार और गिनवा दूँ तो 2, 4, 6, 8 यहाँ का एक टायर अभी पंचर हो रहा है, 8, 10 और 11 और 11×22 टायर है यहाँ पे। और ये देख सकते हैं इसका डीजल टैंक लगभग 400-500 लीटर का तो आराम से होगा, और ज़्यादा का ही होगा। ये इसका यूरिया का टैंक है, और इधर देखते हैं अपन उस तरफ, इस टाइप की जो टाटा सिग्ना है इनमें दो दो जो है टैंक होते हैं, तो ये देख सकते हैं आप। इधर तो कुछ नहीं है बाकी, ये हाँ ये प्रेशर टैंक है, और गाइस बैटरी काफ़ी बड़ी बड़ी दो है जो है इसके अंदर रखी हुई है। और डायलॉग लिखवाने का शौक़ तो है ट्रक ड्राइवर्स को होता ही है। बाकी यहाँ से आप देख सकते हैं ये वाला है गाइस इसका लिफ्टिंग एक्सल, और ये देखो अगेन बहुत सारे जो लंबे लंबे ट्यूब हैं
वो यहाँ पे लटके हुए हैं। तो एक गाड़ी, गाड़ी का जो एक टायर है पंचर हो चुका है, और पंचर कितना खतरनाक हुआ है वो आप देखो, कहाँ गया वो पंचर, पंचर गिट्टी लग गया, गिट्टी जे जे कहाँ अंदर, वो देखो गाइस कितना बड़ा पेच जो है वहाँ पे गिट्टी लग गया, गिट्टी जो है वो लग गई है। और इसका जो है अभी खोल के कितना टाइम लगता है एक पंचर जुड़वाने में, एक घंटा डेढ़ घंटा लगता है, एक घंटा से डेढ़ घंटा, तो सोचो। और एक ही टायर हुआ ना पंचर, पता कैसे चलता है कि टायर पंचर है, हवा निकलने लगती है, हवा निकलने लगती है। एक चीज बताओ, ये जो लंबे लंबे ये लटका रखे हैं ये डिजाइन के लिए, ये क्यों है, इनका कोई कारण है कि खाली दिखने में अच्छे लगते हैं? इसका डिक साफ रहता है, टायर साफ रहता है। ओहो गाइस अभी मैं आपको समझाता हूँ, टायर के जस्ट यहाँ पे ये लटका हुआ है। अब ये हवा के कारण जब पीछे होगा तो ये वाली जो साइड है टायर की ये क्लीन रहेगी, इसीलिए इनको लटका रखा है। और वैसे देखने में भी भाई अच्छे ही लगते हैं, शौक है अपना अपना। अब देखो ये सिग्ना केबिन के ये दो सस्पेंशन यहाँ पे हैं, बड़ा भारी सा भाई इंजन अंदर दिया हुआ है। और ये है ओवरऑल गाड़ी। माल कितना लोड है भैया इसमें? 42 टन। हाँ। और गाड़ी का वजन कितना है? 16 टन। 42 टन में कितना माइलेज देती है गाड़ी है? एवरेज? हाँ। दो। दो का? बस। हाँ। बस। तो ये देख सकते हो 42 टन कम नहीं होता। 42 टन अगर आप सोचो किलो में कन्वर्ट कर लेना, एक बार एक टन में होता है 10 क्विंटल, और एक क्विंटल में होता है 100 kg। तो वो आप देख लेना भाई, 42 टन बहुत ज़्यादा वजन जो है वो होता है। और वो 22 टायर की ये जो गाड़ी है वो लेके चल रही है। बाकी हाँ, 8x4 कॉन्फ्यूग्रेशन में ये जो है एक ये वाला एक्सल इसका वर्क करता है कि ये वाला एक्सल। चलिए ज़्यादा अब बोर हो रहा है, बाहर बाहर की चीज़ें, अब मुझे पता है आप लोगों का मन हो रहा है कि गाइस गाड़ी का केबिन हमको देखना है कैसा सजा हुआ सा है। तो सिग्ना में पहले बटन, हाँ पहले बटन दबाना पड़ता है, और उसके बाद फिर देखो ये जगदीश भाई जो है हमारे, पहले तो उन्होंने अच्छे से अरेंज कर दिया। आओ ना यार जरा उस्ताद, ड्राइवर की सीट पे आओ आओ आओ। तो मैं आ चुका हूँ गाइस टाटा सिग्ना केबिन के अंदर, और एक बार भाई राजस्थानी केबिन देखो, कितना बड़ा बेड है यार, कितना बड़ा, मतलब मेरे घर पे जिस बेड पे मैं सोता हूँ वो बेड इतना बड़ा नहीं है, इतना बड़ा ये है। तकिया भी है, तकिया। अच्छा ये तकिए लगा रखे हैं, और ये पीछे का पूरा शीशा ब्लैक करके रखा हुआ है। ये कौन है जिसकी आपने तस्वीर यहाँ पे लगा रखी है? ये शौक के लिए लगे थे। शौक के लिए है, देखने में अच्छी लग रही है, लेकिन वो खुल गया, उसको खोल के रख दिया, खोल के रख दिए। हाँ। तो ये अच्छी लग रही है, लड़की अच्छी लग रही है जो भी है। और दो लोग इसमें आराम से सो जाते होंगे। गाड़ी में गियर आपको दिखा दूं तो 8 गियर है, एक एल गियर है और एक रिवर्स गियर है। एल मतलब लो यहाँ पे है। और एसी चलती है क्या इसमें? एसी है। हाँ। फुल एसी है। हाँ। कि सिर्फ ब्लोवर, एक बार दिखाना इसका कंट्रोल कहाँ गया। नहीं नहीं गाइस, सिर्फ ब्लोवर है यहाँ पे, आप देख सकते हैं ये रहा, टेम्परेचर का कोई कंट्रोल नहीं है। और इतने अच्छे तरीके से मॉडिफाइड करिए, सीटों को जमाया है। कई लोग क्या करते हैं कि पूरी घास वास लगा के जो ओरिजिनल डैशबोर्ड होता है उसको ढक देते हैं, पर इन्होंने ढका वका नहीं है, बहुत अच्छे से यहाँ पे इसको डेकोरेट किया है। एक ये पंखा गाइस देखो, ये बैटरी से चलता है। और ओहो हो बस 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 बस, ये देखो इस तरफ भी एक बंदी की तस्वीर है, ये देखो, और उसके बाद एक पीछे पर्दा और है। अच्छा ये जो काले शीशे आपने करवा रखे हैं, ऐसे कार में करवाओ तो भाई पुलिस वाले चालान काट देते हैं, इसमें कुछ नहीं बोलते? नहीं, चालान नहीं काटते इसमें, कुछ नहीं बोलते। वो तो वैसे भी 100-200 लेते ही हैं इनमें से। नहीं, वो ऐसे नहीं, इसके लिए नहीं लेते हैं। इसके लिए नहीं लेते। अच्छा ये जो इतने सारे गिफ्ट, एक पांडा, ये आगे की तरफ भी दिख रहे हैं, ये सब मालिक ने गाड़ी को गिफ्ट में दिए हैं कि आपने दिए हैं? ये शौक के लिए लगाते हैं, रानी बना के रखते हैं इसको। रानी बना के? नहीं तो ये आपने लगाए हैं खुद अपने पैसों से कि मालिक ने लगाए हैं? हम लगाते हैं, सेठ पास करता है। अच्छा ये देखो गाइस, तो बहुत सुंदर लग रहे हैं यार देखने में। और ये एक ऊपर की लाइट है, इसको जरा चालू करना, ये देखो ये लाइट है, और ये चलता है, और दिखाओ उछो, ये भी लगवा रखी है देखो, ये छोटी छोटी सी लाइट, रात में जब केबिन चलता होगा तो ज्यादा अच्छी सुंदर दिखती होंगी। नाइट में बहुत अच्छा दिखता है।
अच्छा अंदर ही अंदर की जो सजावट है इसमें कितना खर्चा होगा लगभग, पैसा कितना खर्चा? ये जो सीट वीट है इनको बराबर मिलवा के? अलग अलग रेट, अलग अलग सीट का अलग होता है, इसका अलग होता है, वो दरी आता है उसका अलग होता है। अच्छा और ये देख सकते हैं कि कितनी पुरानी गाड़ी है ये, वैसे 26,000 किलोमीटर चल चुकी है। नहीं यार, 188,705 किलोमीटर। कितनी पुरानी गाड़ी है ये? अभी 22 मॉडल है, बस 2 साल में 2 लाख के आसपास चलने वाली है। आप नहीं चलाया होगा इसको? नहीं नहीं, मैं तो अभी आया हूँ, थोड़ा दिन हुआ। कितने दिन हो गए आपको? 1 महीना हो गया। बस इससे पहले कोई और ड्राइवर चलाता था? कब से हैं आप ट्रक लाइन में? 2-4 साल हो गए। बस 4 साल से ही ड्राइवरी कर रहे हैं आप? नहीं, ड्राइवरी तो 4 साल तक कर रहा हूँ, पहले भी रिक्शा की एंट्री करना पड़ता है, कलश बना करता हूँ। अच्छा मतलब ड्राइवरी 4 साल से कर रहा हूँ, उससे पहले बहुत 4-5 साल से ड्राइवरी कर रहा हूँ। हैवी लाइसेंस बन गया आपका? कितना खर्चा आया राजस्थान में? 7,500 लाइसेंस का। 7,500? सस्ता है यार फिर भी। अब तो महंगे हो गए ना, अब तो 12,000-15,000 से कम का नहीं बन रहा। मेरा 2017 में बन गया लाइसेंस। 2017 में आपका लाइसेंस बन गया? तो ये है। बाकी वो जो भाई दिख रहे हैं बाहर, जो अभी चाय लेके आए थे, वो आपके साथ ही है, हेल्पर पे है वो। तो अभी इसको 1 महीना हुआ है आपको, इसके पहले कौन कौन सी गाड़ियां चलाई है आपने 4 साल में? ऐसे सिग्ना चलाया, लेलैंड चलाया, महिंद्रा चलाया। लेलैंड, महिंद्रा, सिग्ना, बस ये? इतनी लंबी गाड़ी चलाई है और छोटी भी? नहीं, ऐसे चला था। तो ऐसा कुछ नहीं सोचा आपने भाई, शुरुआत कर रहे हैं तो ये 6 चक्के की छोटी चला लें? नहीं, छोटा कभी चलाया नहीं, शौक ही था बड़ी गाड़ी चलाने का। पहले कलासी पे नहीं, इसी पे गया, इस लंबा गाड़ी पे, और सेकेंडरी लंबा गाड़ी पे गया, फर्स्टरी लंबा गाड़ी पे कर रहा हूँ, छोटा गाड़ी चलता ही नहीं मेरे से। अच्छा, मजा नहीं आता? मजा नहीं आता इसी में। तो मेरे को तो यार ये देखने में अटपटी लग रही है, इतनी लंबी गाड़ी कोई चलाता कैसे होगा? ये बहुत अच्छा चलता है, बट छोटी गाड़ी से बहुत अच्छा चलता है, एकदम स्मूथ। ये 10 चक्का गाड़ी, ये चक्का नहीं घुसता है ना, जहाँ पर ये घुस जाता है, कटिंग वगैरह अच्छी होगी, ट्रैक्टर के ट्राली, ट्रैक्टर ट्राली जैसा जो सिस्टम रहता है ना, वो सिस्टम ही है, वही सिस्टम इसमें रहता है। ताकत वाकत कैसी है गाड़ी में? बहुत ताकत है। 42 टन में कुछ मिसिंग तो नहीं मारती? नहीं मारती, नहीं मारती। कितनी स्पीड में चलाते हैं आप इसको? 55-60। और गाड़ी कितना भागने का दम रखती है? भागने का तो बहुत रखती है, ये तो अभी 140 में चलता है, लेकिन इतना भगाते नहीं है, कंट्रोलिंग नहीं होता वापस, मतलब तेज है, 140 किससे ज्यादा भगती है, मतलब 120 RPM से कम रहता है अभी। अच्छा, 100 से मिले, मतलब कंपनी कम ही रखता है। अच्छा, आप 50-60 पे इसको चलाते हो? 50-55-60। जो हेल्पर भाई है उनको आप सिखाते हो गाड़ी चलाना? कितनी बार चलवाई उनसे? वो अभी आया, वो तो अभी मेरे एक चक्कर हुआ उसको। अच्छा, तो थोड़ा थोड़ा हाथ में देते हो गए? नहीं, अभी नहीं देता, अभी उसको थोड़ा सामान भी देख रेख करना पड़ता है, क्या टायर कैसे खोलते हैं, काम कैसे करते हैं, साफ सफाई कैसे करते हैं, वो पहले उसको सिखाना पड़ता है। अच्छा, तो अभी वो चीजें सीख रही हैं? हाँ, वो चीजें सीख रहे हैं, अभी काम सीख रहे हैं। वैसे भाई मानना पड़ेगा, साफ सफाई तो आपने यार केबिन में रखी हुई है, बहुत तगड़ी सफाई लग रही है। और अभी ये सेंड है, देखो। वाह, अरे वाह, कौन सा सेंट है दिखाना भाई? ये तो इंगेज का है यार, ये तो आदमियों वाला है। हाँ, तो किसका है? आदमियों को ही तो लगाता है यार। तो इसको आप गाड़ी में छिड़कते हो? वाह, देखो कितना रेट लिखा हुआ है इस पे, लिखा हुआ है 320 रूपए। हाँ, यही है, 320 रूपए का सेंट जो आदमियों वाला है भाई साहब, वो सीटों पे अलग से छिड़कते हैं भाई, माहौल पूरा बनना चाहिए बराबर। म्यूजिक सिस्टम, ये स्पेशली राजस्थानी जो टेस्ट है इसका म्यूजिक का, वो होगा इसमें। कितने स्पीकर है, कहाँ कहाँ लगे हुए हैं? स्पीकर बहुत है। कहाँ कहाँ लगे हैं? डबल तो अंदर है, इसके नीचे। हाँ, अच्छा, और ऊपर चला कर दिखाऊं क्या आपको? हाँ दिखाओ यार, बिल्कुल दिखाओ, देखेंगे। अच्छा, साउंड देखेंगे इसका कैसा है, जोरदार, क्योंकि राजस्थान वाले जो है मतलब गानों के काफी ज्यादा शौकीन होते हैं। आपको किस तरीके के गाने पसंद है? हमारा राजस्थानी, राजस्थानी, वो गोरी नगोरी वगैरह जो ना, नहीं, वो गोरी नगोरी नहीं कर रहे तो भिलवाड़ा से हैं आप? हाँ। तो वहाँ उसका तो एक गाना आया था, भिलवाड़ा मिल गई रे ऐसा कुछ करके। हाँ। तो वैसे गाने नहीं है आपको पसंद? है ना, गाना है ना। डीजे बना रखा है इसको। अच्छा, इसके नीचे एक डिक्की रहती है, वहाँ भी स्पीकर लगा रखे हैं आपने? हाँ, वो भी है, लेकिन ट्राली के नीचे।
अरे भाई साहब, ट्राली के नीचे अलग स्पीकर लगा रखे हैं। वो कौन से हिसाब से लगा रखे हैं यार? वो शो के लिए। चल तो देखना पड़ेगा। जगदीश भाई ने बताया हमको कि ट्राली के नीचे अलग से स्पीकर लगा रखे हैं। देखते हैं, आ जाओ पीछे चलते हैं। ओरे ये देखो गाइस, 1 2 3 4 ये कौन सी जगह यार स्पीकर लगाने की? बजते हैं ये सारे? हाँ। अभी आप चाहो तो अंदर से बजा दोगे इनको? नहीं अभी नहीं चल रहा है वो, थोड़ा अभी नहीं चल रहे, बंद कर दिया। अच्छा, ये वो प्योर राजस्थानी बूंदी वाले स्पीकर है क्या? ये बहुत तेज आवाज आती है इनकी। जैसे अभी अंदर आया ना? हाँ वैसे अभी। वैसे ही ये भाई साहब, नीचे से यार कैसा दिखता है ट्रक देखो। रियर सस्पेंशन कुछ यहाँ पे, और यहाँ से तो भाई टायर ही टायर दिख रहे हैं, आगे भी टायर ही टायर दिख रहे हैं। और ये है टोटल, क्या क्या लोड करके ला रहे हो अभी आप इसमें? अभी स्पेंज। ये क्या होता है? गिट्टी। गिट्टी, गिट्टी हाँ। पत्थर? लोहे की गिट्टी। लोहे की गिट्टी, वो कंचा नहीं आता, कंचा। हाँ वैसा गिट्टी है, गोल गोल। अच्छा, कंचे कंचे लोड करके ला रहे हैं। हाँ, लोहे का। लोहे का वो किस काम में आते हैं? वो उधर सरिया बनाने में काम आता है। सरिया बनाने में 42 टन बजाने उसमें। कहाँ जाओगे आप अभी? अभी ये घाटा बिलोद। घाटा बिलोद, ये कहाँ पे? इंदौर के पास। इंदौर के पास, कहाँ से ला रहे हो इसको? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में कहाँ से? रायगढ़। रायगढ़ से। शादी हो गई आपकी? राजस्थान में तो बहुत कम उम्र में हो जाती है। कब किस उम्र में हुई थी आपकी शादी? 2019 में। तब तो ठीक ठाक उम्र में हुई थी। चलो कितने दिन घर से बाहर रहते हो, कितने दिन बाद घर आना हो पाता है ये बताओ? महीने में चला जाते हैं, चक्कर हर चक्कर भी चला जाते हैं, जब भी टाइम मिलता है तभी जाते हैं। जैसे अभी फिर भी महीने में 2-4 दिन तो घर रह जाते होगे हर महीने? जैसे महीने में जाना, अभी इधर भाड़ा अच्छा लग रहा है तो इधर ही चल रहे। अच्छा हाँ, जैसा भाड़ा मिल जाए, जैसी ट्रिप मिल जाए। 30,000 रुपये इसका आपको वेतन देता है, आप पूरे महीने रहो, उसके बाद ट्रिप के हिसाब से अलग देता है। नहीं, खाने का पैसा अलग देता है। खाने का कितना? 300 रुपये? 500 दोनों का मिला के 250-250 रुपये एक जन का हो जाता होगा। 250-250 रुपये खाने का मिल जाता है और 30,000 रुपये वेतन मिल जाती है। ये है, खुद की गाड़ी चलाई है आपने कभी? हा? खुद गाड़ी लिए कभी? नहीं लिए। नहीं कभी लोगे? प्लान है, मूड है? मूड नहीं है हमारा, नौकरी करेंगे। नौकरी अच्छी है। आप शर्मा रहे थे बिना फालतू देखो, कितनी बढ़िया वीडियो बन गई अपनी भाई। बहुत शर्मा रहे थे शुरुआत में, अरे यार ये क्या करवा रहे हो तुम, मैंने कभी किया नहीं है ये वो, पर देखो अभी कितना बढ़िया बोले हैं। और राजस्थान वालों की खासियत रहती है, बहुत फ्रेंडली होते हैं, मतलब बहुत अच्छे लोग होते हैं, बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं। तो ये है भाई साहब ट्रक के नीचे का, बाहर चलें? हाँ चलो। डर भी लग रहा है मेरे को इसके नीचे थोड़ा। कोई डर नहीं यार, कोई डर नहीं। इसके नीचे तो भाई ट्रक ड्राइवर सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बनाते हैं। हम तो यार हाँ, ज्यादातर खाना आप इसी के नीचे बनाते हो, मतलब खुद बनाते हो? जैसे बर्तन वर्तन भी थे अंदर की, ढाबे पे खाते हो? ढाबे पे खाते हैं, रनिंग में खाते हैं, खड़े रहते तो बनाते हैं। ऐसा है तो दोनों अपने अपने हिसाब से जैसा मौका मिल जाए, है ना? तो आप ही बनाते हो, उस्ताद से बनवाते हो? दोनों मिल के बनाते हैं। क्या क्या पसंद है आपको खाने में? रोटी सब्जी दाल बाटी। दाल बाटी चूरमा खा के हो जाओ सूरमा। चिकन विकन नहीं खाते हो? नहीं खाते। बिल्कुल नहीं नॉन वेज? हाँ बिल्कुल नहीं, नहीं खाते। सिर्फ वेजिटेरियन राजस्थानी, प्योर राजस्थानी खाना चाहिए। चलो रोटी के शौकीन हो आप। अच्छा 3-4 साल से आप गाड़ी चला रहे हो अभी? हाँ। उससे पहले और क्या करते थे? पहले पढ़ाई करता था। पढ़ाई? हाँ। क्या कहाँ तक पढ़ाई करी आपने? 8वीं तक। क्या बात कर रहे हो? बस इतना ही पढ़ा। तो आपकी उम्र थोड़ी ज्यादा लग रही है। उम्र तो अभी मेरी 25 साल है। बस यार ज्यादा लग रही है यार। 1999 में मेरा जन्म है। हाँ भाई कितना, मेरा कितना है? 12 जुलाई 1999। और मेरे में और आप में फर्क दिख रहा है यार। ठीक है, चेहरे पे क्या हो गया आपके? वो मेरे हो गया था कुछ इन्फेक्शन टाइप का, तो उसका इलाज विलाज करवा रहे हो? करवा रहा हूँ। गाइज इतना तगड़ा म्यूजिक सिस्टम और इतना तगड़ा अंदर का इंटीरियर देखने के बाद अभी मेरी थोड़ी सी इच्छा हुई है भैया क्यों ना इस गाड़ी की एक छोटी सी राइड ली जाए। तो अब भैया चल रहे हैं थोड़ा बाईपास में आगे तक, तो थोड़ी 2-5 किलोमीटर की राइड हम लेकर के देखेंगे। फिलहाल मैं बाइक से आया हुआ था, ये खड़ी मेरी बाइक,
पर वो जो हेल्पर भाई हैं वो जो है बाइक चला लेंगे, मैं भाई अंदर थोड़ा इंजॉय करते हुए जाएंगे बढ़िया, और इसकी ड्राइवेबिलिटी देखेंगे। अभी देखो प्रेशर वेशर जो है प्रॉपर बन जाए गाड़ी में करके, गाड़ी को अभी स्टार्ट किया हुआ है और देखते हैं कैसी चलती है, क्या इसका पिकअप है। गाड़ी का फुल्ली लोडेड है 46 टन 42 आई थिंक, मैं भी भूल गया 42-46 जितना भी है वो टोटल माल गाई इसकी ट्राली में लदा हुआ है। और अब हम बैठेंगे अपने टाटा के घोड़े में। तो गाइस गाड़ी स्टार्ट है टाटा केबिन, मतलब सिग्ना केबिन के अंदर, आवाज़ तो बिल्कुल नहीं आती, ना के बराबर है क्यों। और अभी थोड़ा सा RPM भी जो है यहाँ पे आप देखो भैया ने बढ़ा के रखा हुआ है और अभी कम कर दिया है। ये स्टार्ट करके ये ऐसे रेस क्यों देते हैं, इसका क्या कारण है? रेस नहीं, वो प्रेशर डाउन हो गया था ना, हैंड ब्रेक लगा रखे थे। अच्छा, तो उसके लिए प्रेशर अभी बना रहे हैं। कहाँ दिख रहा है प्रेशर इसमें? ये डंडे ये दिख रहा है। कितना होना चाहिए? ये 10 पे आता है, अभी 8 पे आवा, 6 पे है, अभी 6 पे है। हाँ, पूरा 10 पे नहीं आएगा जब तक गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। नहीं, हो गया, वो हैंड ब्रेक छोड़ गया, देखो ये लाइट आता है, देखना। चलो भाई जान दो, एक बार मेरे को देखो यार कैसा लेटा हुआ हूँ मैं यार, ऐसा लग रहा है कि स्लीपर बस है कोई सी, दचके वचके कुछ नहीं, एकदम बिल्कुल शांत स्मूथ, बहुत अच्छा केबिन है, मजा आ रहा है। पूरे देखो पीछे पूरी की पूरी गाड़ी यहाँ से दिख जाएगी, यहाँ से देखो लंबी की लंबी, ये देख सकते टोटल पिकअप ट्रक के हिसाब से अच्छा है। 42 टन माल है ना? हाँ, 42 टन माल के हिसाब से बढ़िया पिकअप है यार। अभी स्पीड अगर मैं आपको दिखाऊं तो 40 पे पहुंच गई ये गाड़ी, ये देखो 40 पे पहुंच गई है। ये डिस्टर्ब नहीं करते थोड़ा इधर उधर देखने में? नहीं करते। साउथ वालों को मैंने देखा यार, वो बहुत बड़ा बड़ा कांच रखते हैं, उनको बहुत खुला सा चाहिए रहता है। हाँ। और अपने इधर वाले बिल्कुल छोटा सा कांच रखेंगे, उसी में से चल जाएगी गाड़ी, तो गाड़ी सजी हुई होना चाहिए, वो ज्यादा जरूरी है। क्यों? सही है, चढ़े के कारण है और अभी ये ट्रैफिक चलते है जैसे जीप वाला रही है। हाँ, तो थोड़े सावधानी से समझदारी से चलाना पड़ता है। हाँ। अरे ये इतना भयंकर कूद रहा है ये? नहीं, वो खड्डे के हिसाब से कूदता है। अरे भाई साहब ये तो बहुत कूद रहा है यार। नहीं, खड्डे के हिसाब से कूदता है ना यार, ये देखो ऐसे खड्डे आते हैं ना ये। मैं समझ गया इसको घोड़ा क्यों बोलते हैं। हाँ, ऐसे घोड़ा बोलते हैं, इसीलिए इसको घोड़ा बोलते हैं। ये देखो भाई, पूरा टायर खड्डे में निकलता है ना। हाँ। इसलिए पटकता है, देखो ये थोड़ी रोड की कंडीशन ऐसी है। हाँ। तो ट्रक तो भाई टूटता है यार। चलो इधर ही कहीं उतार दो मेरे। हाँ, या आगे उतार दूं आपको? आओ, वो ट्रक खड़ा है। हाँ, वहीं कहीं लगा लेना। कौन से गियर में चला रहे हो अभी आप इसको? अभी ब्रेकर पार किया, 3 नंबर में किया। डायरेक्ट दूसरे या तीसरे में उठाते हो क्या इसको कि पहला गियर से? एक नंबर से उड़ता है। ये था भाई वीडियो, टाटा सिग्ना एक राजस्थानी ट्रक मैंने आपको दिखाया, प्योर और अंदर से कितनी बढ़िया डेकोरेटेड थी भाई, देख के मजा ही आ गया। हालांकि थोड़ी सी जो है वीडियो में शोर बाद में होने लगी, तो अभी मेरे सामने ये देख सकते हैं कंप्रेसर जो है वो चल रहा है इस कारण। बाकी यार वीडियो मतलब ट्रक देखने में मज़ा आया, और ख़ास करके वो जो 4 स्पीकर अंदर लगे हुए थे। हाँ हाँ, और इनका कहना है गाइस गाड़ी को हम रानी बना के रखते हैं, देखा आपने कैसे गिफ्ट विफ्ट दे रखे थे, परफ्यूम वगैरह भाई साहब छिड़क रखा था, और काफ़ी अच्छा मतलब अरेंज केबिन था, कई लोग बहुत मेश सा रखते हैं, बिल्कुल गंदा था, तो इस गाड़ी को चलाने में इनको मज़ा भी वैसा ही आता होगा। तो और बाकी डिटेल जो है इन्होंने थोड़ा अपने बारे में बताया, और ज़्यादा दिन तो इनको हुए नहीं है, एक महीना हुआ है गाड़ी पे, इससे पहले दूसरी गाड़ियाँ चलाते थे, तो वो भी चीज़ें जो है इन्होंने बताई। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोग का धन्यवाद, वीडियो यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत जल्द मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।